नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। केजरीवाल के चहेते मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल जाने के बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर ईडी ने सत्येंद्र जैन के साथ साथ हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। ईडी की इस छापेमारी से आम आदमी पार्टी में खलबली सी मच गई है। इस रिपोर्ट में देखिए, जेल की हवा खा रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन के कई ठिकानों पर ईडी ने एक बार फिर छापेमारी की है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों को भी ईडी ने खंगाला है। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह ही ईडी की टीम ने ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी सत्येंद्र जैन को हिरासत में लेकर अलग पूछताछ कर रही है, जिसमें कई भ्रष्टाचार के खुलासे होने की उम्मीद है। वही कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन अपने अकाउंट डिटेल की जानकारी ईडी के सामने नहीं दे पा रहे हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई कोलकाता की कंपनी से जुड़े हवाला कारोबार के मामले में की है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने फर्जी कंपनियों से लेन देन कर NCR में संपत्ति खरीदी थी, जिसमें उनके परिवार के कुछ लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं अब दोबारा हुई इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है और ये लोग बार बार ईडी के कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस को ही फर्जी बताते हुए दावा किया था कि वो कुछ दिनों में छूट जाएंगे। खैर, जिस तरीके से ईडी उनके खिलाफ सबूत जुटा रही है, उससे तो लग रहा है कि सत्येंद्र जैन लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहने वाले हैं। वहीं बीजेपी भी लगातार आपके इस भ्रष्टाचार पर उन्हें घेर रही है। स्मृति ईरानी ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि आपके झूठ की गाथा जारी है। केजरीवाल को बताना चाहिए कि केवल एक ही पते पर 240 कंपनियां कैसे चल रही थी। इससे पहले स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से 10 सवाल पूछे थे, जिससे आप नेता तिलमिला उठे और एक बार फिर ईडी के एक्शन और बीजेपी के वार ने केजरीवाल को हिला कर रख दिया है। केजरीवाल के चहेते मंत्री सत्येंद्र जैन के घर की एक बार फिर ईडी ने तलाशी ली। इसके साथ ही हवाला ऑपरेटर्स के घरों पर भी छापा मारा है। ये कार्रवाई भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई। इस दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। दोबारा हुई इस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने केजरीवाल को घेर लिया है। स्मृति ईरानी का कहना है कि आपके झूठ की गाथा जारी है, बीजेपी के इस तंज से आप नेता बुरी तरह से बौखला गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।